भाई साहब, 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत महंगी होने वाली है और इसी पायदान पे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भाई टीवीएस ले या बजाज ले, क्योंकि बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड्स है। ऑफ कोर्स जो ओला लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बट इन दोनों का अंडर एस्टिमेट जो कर रहे हैं ना वो सोच नहीं रहे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत बड़े ब्रांड्स है। दोनों की इलेक्ट्रिक स्कूटर टॉप 5 में आती है और हमारे एक सब्सक्राइबर जी है, उन्होंने हमें एक सवाल पूछा है। और आपको पता है जो सब्सक्राइबर लोग सवाल पूछते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं मैं, अगर सवाल जेन्युइन है तो। यहां पे सवाल जो है भाई, सबका ऑफर चल रहा है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात बोल देता हूं मैं, 10% से भी ज्यादा प्राइस बढ़ने वाली है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, क्योंकि फेम सब्सिडी खत्म हो चुकी है। अभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के अंदर सिर्फ आपको 5,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर बैटरी है, अगर मतलब 1 किलोवाट आवर बैटरी तो 5,000 रुपए आपको मिलेगा सब्सिडी, उसको इंसेंटिव बोला गया, और इसका कैपिंग 10,000 रुपए है, तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए सब्सिडी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, मगर चेतक का कोई ऑफर नहीं। हाँ भाई, क्योंकि भाई जो जेन्युइन ब्रांड्स है ना, जिनको सेल्स में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑटोमोटिव में ऑलरेडी वो पेट्रोल पे बहुत अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ऑफर कौन दे रहा है अगर आप देखो तो ओला बहुत तगड़ा ऑफर दे रहा है, एथर ऑफर दे रहा है, क्योंकि इनके सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, इनके पेट्रोल या अदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग चीजें नहीं है जिनसे इनको प्रॉफिट मिले। ये टीवीएस लो या बजाज लो, इनके कोई ज्यादा ऑफर नहीं चल रहा है, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी ऑटोमोटिव में प्रूवन है, इनका सारा पैसा इसके ऊपर डिपेंड नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल। मुझे चेतक प्रीमियम लेना है मगर अब क्या करूं, टीवीएस आईक्यूब ले लूं, 41K का डिस्काउंट चल रहा है। ओके, कमेंट प्लीज भाई, आपने कमेंट करने को बोला, मैं तो डिटेल वीडियो लेके आ चुका हूं, वीडियो को एंड तक देखना। पहले तो आपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे डिटेल वीडियोस आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो मैं कंपैरिजन लाया हूं। और कंपैरिजन के साथ मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनको इनका एक्चुअल प्राइसिंग भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखना। तो पहले देख लेते भाई इसमें है क्या, मैं बोलूं तो कुछ जो प्रो पॉइंट्स है बजाज चेतक के, जैसे पूरा मेटल बॉडी बजाज चेतक में मिल रहा है आपको, जो फ्लूइडिटी मिलती है गाड़ी चलाने में, जो कंफर्ट मिलता है आपको, जो ईज मिलता है वो बजाज चेतक में अच्छा मिलता है। बजाज चेतक बहुत हेवी है, 133 किलोग्राम उसका कर्व वेट है, तो ज़्यादा स्टेबल गाड़ी है। टीवीएस आईक्यूब बुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे जो मोटर दिख रहा है लगभग मोटर सेम है। यहाँ पे अर्बन भी लिया है मैंने, प्रीमियम भी लिया है, टीवीएस आईक्यूब एस लिया है, टीवीएस आईक्यूब और टीवीएस आईक्यूब एस में खाली 6,000 रुपए का डिफरेंस है लगभग, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एक्चुअल प्राइसिंग। बट ये जो है ना मोटर में बहुत तगड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको BLDC हब मोटर मिल रहा है जो पहिए में बैठता है, और यहाँ पे आपको PMSM मोटर मिल रहा है जो भाई फिक्स ट्रांसमिशन के थ्रू पहिए से कनेक्टेड है। तो आप ड्यूरेबिलिटी की सोचोगे, आप कंफर्ट की सोचोगे, आपको थोड़ा सा रिलायबल चाहिए, तो ऑफकोर्स PMSM मोटर इज रिलायबल एज कंपेयर टू BLDC मोटर कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एप्लीकेशन। अब कोई लोग कमेंट करेंगे भाई फैन में नए फैन आए हैं, BLDC मोटर अच्छा होता है, उसका रिलायबिलिटी अच्छा है, उसका एफिशिएंसी अच्छा है। भाई फैन में एप्लीकेशन अलग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपकी गाड़ी जो है वो ओवर खोबड़ रास्ते से जाती है, स्पीड वेरिएशंस होते हैं, लोड वेरिएशंस होते हैं, कोई 2 जन बैठता है, कोई 1 ही जन बैठता है, कोई 2 जन प्लस कोई वेट डाल के चलता है, तो मोटर का एप्लीकेशन अलग है। फैन के लिए BLDC मोटर अच्छी है, एनर्जी इफिशियंट है, प्राइस उसकी थोड़ी ज्यादा है, बट फैन का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाता है अगर BLDC फैन वाला आपने मोटर लिया तो, फैन लिया तो। ओके, बट ईवी का एप्लीकेशन अलग है, यहां पे PMSM बढ़िया है एज कंपेयर टू BLDC, तो ये चीज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ब्रांड, मुझे बजाज भी पैसा नहीं दे रहा, टीवीएस भी पैसा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एजुकेट कर रहा हूं आपको, मैं कौन से भी ब्रांड को गलत भी नहीं बोल रहा, सही भी नहीं बोल रहा, मैं जस्ट मेक श्योर कर रहा हूं कि आपकी तरफ नॉलेज अच्छी तरीके से पहुंचे। तो ये बात हो गई, थोड़ा सा है ना कलर का मैं पेन जो है उसका कलर चेंज कर देता हूं। तो मोटर जो है लगभग सेम है बट टेक्नोलॉजी अलग है, बैटरी भी लगभग सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बैटरी में, दोनों की बैटरी जो है ये NMC केमिस्ट्री है। अभी यहां पे बहुत तगड़ा वारंटी का ऑफर चालू है टीवीएस का, यहां पे टीवीएस विनर है क्योंकि वारंटी में बहुत तगड़ा ऑफर इन्होंने सामने लाया, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप बैटरी देखो सेम है, इसलिए आप रेंज देखो, ऑलमोस्ट तीनों का रेंज सेम है,
एंड एक्चुअली में टीवीएस को और बजाज को इतना रेंज मिल ही जाता है, 100 किलोमीटर का रेंज मिल ही जाता है। टॉप स्पीड देखो आप टीवीएस का ज्यादा है थोड़ा, बाकी 63 अगर आप चेतक अर्बन लोगे, 73 आप चेतक प्रीमियम लोगे, तो 10 km/h का डिफरेंस है। ग्रेडेबिलिटी यहां पे आपको दिखेगा भाई, पीएमएसएम मोटर का ग्रेडेबिलिटी अच्छा है क्योंकि वो ज्यादा अच्छी तरीके से मैन्यूवर कर पाता है एज कंपेयर टू बीएलडीसी। तो ग्रेडेबिलिटी मतलब एलिवेशन जो है ना, वो बजाज चेतक अच्छी तरीके से चढ़ पाएगा। आप फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हो, एलिवेशन कर रहे हो, हिल क्लाइंबिंग कर रहे हो, बजाज चेतक कैन डू इट बेटर एज कंपेयर टू टीवीएस आईक्यूब। भाई अभी तक वीडियो देखा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड तक देखो, जाओ मत, पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा नॉलेज मिलेगा, आधा अधूरा नॉलेज लेके कुछ काम में नहीं आएगा। बूट स्पेस यहाँ पे आप देखो दोनों का लगभग सेम है, यहाँ पे मेरे से गलती हो गया। नाउ दिस इज 32 लीटर्स, TVS को अभी 32 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, वेयर एज तो यहाँ पे बूट स्पेस में TVS विनर है, यहाँ पे 18 लीटर का। चार्जिंग टाइम यहाँ पे आपको दिखेगा भाई, बजाज का चार्जिंग टाइम है कम क्योंकि इसका जो चार्जर है वो 750 वाट तक का है और इसका चार्जर का वैटेज थोड़ा कम है, मैं दिखा दूंगा। और प्राइसिंग अगर आप देखोगे, ये जो प्राइसिंग मैंने बजाज की डाली है ये इंक्लूडिंग टेक पैक है। टेक पैक में आपको ऑटो हिल होल्ड, रिवर्स मोड, इको प्लस स्पोर्ट मोड, फुल ऐप कनेक्टिविटी, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो टेक पैक का जो प्राइस है यहाँ पे 8,000 रुपए टेक पैक का प्राइस है। अगर आप टेक पैक नहीं लोगे तो इसमें से 8,000 रुपए कम हो जाएंगे। ये एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस में इंश्योरेंस, रोड टैक्स, बाकी की चीजें ऐड हो जाती है। ये 1,34,000 टीवीएस आईक्यूब एस का प्राइस है। टीवीएस आईक्यूब जो प्लेन है उसमें आपको जॉयस्टिक नहीं मिलता और एक दो चीजें है, ऐप कनेक्टिविटी बाकी चीजें नहीं मिलती, म्यूजिक कंट्रोल बाकी, वो ये टीवीएस आईक्यूब एस में मिल जाता है। तो इसमें भी 6,000 रुपए का डिफरेंस है टीवीएस आईक्यूब लोगे तो, वो भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ। अभी जल्दी से कौन से पैरामीटर में कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतरीन है मुझे आप पूछोगे तो बिल्ट क्वालिटी तो बजाज बेहतरीन है। लुक्स में अगर आपको नॉर्मल स्कूटर चाहिए तो भाई ऑफकोर्स टीवीएस लुक्स बेटर देन बजाज, आपको थोड़ा विंटेज चाहिए तो बजाज अच्छा है। बैटरी में अगर आप देखो तो यहाँ पे बजाज प्रीमियम का बैटरी बड़ा है। मोटर में टीवीएस का मोटर थोड़ा सा कैपेसिटी ज्यादा है। रेंज तो लगभग तीनों का 100 का मिल ही जाता है। टॉप स्पीड टीवीएस का अच्छा है, ग्रेडेबिलिटी बजाज का अच्छा है, बूट स्पेस टीवीएस का अच्छा है 32 लीटर्स का, चार्जिंग टाइम बजाज का कम है, एंड प्राइस अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 10,000-12,000 रुपए का डिफरेंस यहां पे आपको प्राइस, मतलब टीवीएस आईक्यूब एस लोगे तो 1,34,000 एक्स शोरूम प्राइस है, ये 1,44,000 एक्स शोरूम प्राइस है। ओके, तो 10,000 रुपए तक का डिफरेंस है, थोड़ी सी बजाज चेतक कॉस्टली है। और एक थोड़ी सी चीज, छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो नासिक से मुझे जुड़ते हैं भाई, पीवीजन नाशिककर को जाके आप फॉलो कर सकते हो। ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है इसके ऊपर अभी नासिक की बहुत सारी वीडियोज में डालते रहता हूँ मराठी लैंग्वेज में, ऑफकोर्स नासिक से जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। बट इफ एनी वन ऑफ यू फ्रॉम नासिक, यू कैन चेकआउट पीवीजन नाशिककर ऑल्सो। तो अभी मैं जल्दी से आपको क्या कर रहा हूँ, इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे जब हम जाते हैं ना तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो ये है भाई बजाज चेतक, बजाज चेतक का मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है, इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ई शोरूम पे जा रहा हूँ। ई शोरूम देखिए एकदम मस्त वेबसाइट बजाज चेतक ने बनाया है। ये भाई बजाज का ई शोरूम है, ऑफकोर्स आप जाओगे तो ऐसा ही शोरूम फिजिकल भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमें ये दिख रही है भाई बजाज चेतक की इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसमें आप देखो ये दिल्ली का प्राइस है भाई, दिल्ली में सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्राइसिंग आई गेस महाराष्ट्र में ही होगी और यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, 1,23,000 दिस इज द प्राइस विथ टेक पैक, दिस इज अर्बन इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसका 360 डिग्री व्यू आप ले सकते हो और 360 डिग्री व्यू में आपको बाकी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तब तक मैं आपको टीवीएस दिखा देता हूँ। यह है टीवीएस आईक्यूब, अभी हम सब भाई ये टीवीएस आईक्यूब एसटी की राह देख रहे हैं क्योंकि भाई इसको बोला जाता है 145 किलोमीटर का टूर रेंज मिलने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त। और टीवीएस आईक्यूब एस जो है ऑफकोर्स ये आप बुक कर सकते हो अभी। और यहाँ पे अगर आप देखो क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि भाई 32 लीटर का बूट स्पेस है, 100 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाता है। एंड इफ़ यू सी अभी अगर आप 25 मार्च तक इसको लेते हो, आज तो लास्ट मतलब हो गया, आज मैं जब शूट कर रहा हूँ 26 है, तो ये प्राइस अभी आपको शायद नहीं मिलेगा। 22,000 जो फेम सब्सिडी है वो चली जाएगी, इसको सब्सिडी अभी कम हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई इसमें आपको AIS 156 का प्रोटेक्शन जो अभी हर इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर को कंपलसरी है,
तो यहाँ पे अगर मैं बुक नहीं करना मुझे अभी, लेट मी शो यू द वेरिएंट्स ऑफ TVS iQube. तो यहाँ पे ये वेरिएंट्स हैं, जब मैं आपको बोलता हूँ कंपेयर वेरिएंट्स, तो यहाँ पे मुझे सारे वेरिएंट्स की कंपैरिजन मिल जाती है. ओके तो डिफरेंस आप देखो ना TVS iQube और iQube S में, तो टॉप स्पीड तो सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, ग्रेडेबिलिटी सेम है, रेंज इवन सेम है. यू कैन सी 100 and 100 किलोमीटर्स ऑफ रेंज. या ST है, ST के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली S और TVS iQube के बारे में बात कर रहा हूँ. कर्व वेट देखो आप, 118 किलोग्राम तक का चला जाता है और बजाज क्षेत्र का 133 किलोग्राम तक का है, तो 15 kg ज़्यादा कर्व वेट है बजाज का. और बाकी डायमेंशन इसके सेम है, टायर्स भी सेम है. ये देखो मोटर 4.4 किलोवाट पिक पावर वाली, 3 किलोवाट नॉमिनल पावर वाली मोटर मिल जाती है इसमें. 33 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है. 3.04 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है. 52 वोल्ट्स का BMS प्रोटेक्टेड सिस्टम है इसमें. ये देखो 650 वाट का चार्जर है, इसलिए 4.5 घंटे सिर्फ आपको लगते हैं 80% चार्जिंग के लिए. तो जो रिमेनिंग 20% है उसके लिए और 1 घंटा लगभग लग ही जाता है, तो 5 से 5.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा. यहाँ पे ये डिफरेंस दिखेगा आपको डिस्प्ले का. TVS iQube जो प्लेन है उसमें 12.7 है, S में 17.78 है. यहाँ पे 5-way जॉयस्टिक मिल रहा है, नॉर्मल में नहीं मिलेगा. मैनुअल आप चेंजेस कर पाओगे डे नाइट मोड का S में, जो नॉर्मल जो है प्लेन में नहीं मिलेगा. और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है TVS iQube और TVS iQube S में. अगर आप देखो म्यूजिक कंट्रोल S में मिलेगा, इनकॉग्निटो मोड भी S में मिलेगा, वो नॉर्मल TVS में नहीं मिलेगा. और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहां पे फिर से अगर मैं पीछे जाता हूं, लेट मी शो यू प्राइसिंग ऑल्सो. तो यहां पे अभी मैं जा रहा हूं प्राइसिंग पे. TVS iQube और iQube S में क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूं प्राइस में. अभी मैं ये iQube सिलेक्ट किया है, आई एम चेकिंग अबाउट महाराष्ट्र, और यहाँ पे मैं नासिक डाल रहा हूँ. ओके ओके तो प्राइसिंग देखो आप, 1,29,000 ये TVS iQube मतलब प्लेन जो है. और यहाँ पे अभी लिमिटेड टाइम ऑफर चालू है, 5 साल या 70,000 किलोमीटर तक का वारंटी मिल रहा है. और अगर मैं यहाँ पे TVS iQube S कर लूँ, TVS iQube S, तो आप देखो 1,34,000 है. ओके 1,34,700 और TVS iQube की 1,29,000, तो लगभग 8,000 रुपये का भी, 6 से 8,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. अगर हम फिर से जाए चेतक पे, तो ये चेतक का 360 डिग्री वाला शोरूम है भाई, आप इसको देख सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो. ये थोड़ा सा लोडिंग के लिए टाइम लेगा, ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड है और थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने इन्वॉल्व की है. तो यहाँ पे आप टैप करोगे तो मोटर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि नो बेल्ट्स नो चेन्स, गियर मैकेनिज्म के थ्रू इसका मोटर चलता है. मोटर डायरेक्टली व्हील से कनेक्टेड है थ्रू सम स्पेसिफिक गियर्स. इसमें आप देखो स्टील बॉडी है, ऑफकोर्स आपको LED लैम्प्स DRL जो है अच्छी विजिबिलिटी दे देते हैं. ऐप कनेक्टिविटी है, देन यू कैन चार्ज इट एनीवेयर. ऑफकोर्स इसको अर्थिंग लगता है, प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी बात है. ड्राइविंग मोड्स है इको, स्पोर्ट्स और रिवर्स. ओके एंड देन यू कैन हैव सॉफ्ट टच स्विचेस, बहुत अच्छे इंट्यूटिव एंड कन्वीनियंट स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं. एंड देन यू कैन ऑफकोर्स हैव 113 किलोमीटर्स ऑफ रेंज ऑन सिंगल चार्ज. अगर आपने अर्बन लिया तो, प्रीमियम लिया तो 126 का मिल जाता है. ये IDC रेंज है, 100 किलोमीटर्स तक का मिल ही जाएगा. ये सर्कुलर डिस्प्ले अर्बन में आता है, प्रीमियम में आपको रेक्टेंगुलर डिस्प्ले आ जाता है, बट मुझे ये ज़्यादा बेहतरीन लगा. एंड देन यू कैन सी लॉन्ग लाइफ बैटरी, ये बोलते हैं नॉर्मली 7 साल 70,000 किलोमीटर तक चल सकता है, बट इसका जो वारंटी है 3 साल या 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी है दे देते हैं. ये जो बैटरी मैंने बोला, की फॉब अच्छा खासा मिल जाता है. एंड यू कैन ऑफकोर्स हैव वेरी गुड कलर डिस्प्ले, अर्बन का ये डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है, प्रीमियम का भी है. तो आप ये एक्चुअली देख सकते हो यहाँ पे इनके वेबसाइट पे आके, यू कैन चेक इट आउट, पूरा 360 डिग्री में कैसा दिखता है आपको ये पता चल जाएगा. ओके 1,23,000 अगर मैं अभी इसको प्रीमियम कर दूँ, लेट मी चेक. ओके प्रीमियम सिलेक्ट किया अभी मैंने, ये प्रीमियम है. तो प्रीमियम का प्राइस देखो 1,44,000, दैट वाज अर्बन. देखो आप अर्बन का 1,23,000, तो 20,000 का लगभग डिफरेंस है. ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि बैटरी बड़ी है, रेंज 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा की मिल जाएगी. जो डिस्प्ले है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किए हैं प्रीमियम में. आप देखो इसका डिस्प्ले जो है प्रीमियम का, वो थोड़ा सा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप है. जो अर्बन है उसका जो डिस्प्ले है वो राउंड है.
तो अगर यहाँ पे मैं टैप करूँ, सपोज मैंने यहाँ पे टैप किया पहले, तो मोटर तो सेम है, मोटर में कुछ डिफरेंस नहीं है, DRL भी सेम है, ऐप कनेक्टिविटी भी सेम है। इसमें आपको चार्जर भी अच्छा खासा मिल जाता है, घर में चार्ज कर पाओगे। राइडिंग मोड्स, इको स्पोर्ट्स, रिवर्स मिल जाएंगे, सॉफ्ट टच इसका स्विचेस है, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड 126 किलोमीटर का रेंज। इसका डिस्प्ले देखो आप, ऐसा इसका डिस्प्ले है, और जो अर्बन है उसका डिस्प्ले सर्कुलर है। तो गाइज ये है डिफरेंस। तो हमारे जो सर है जिन्होंने सवाल पूछा था, उनका फिर से मैं नाम बता देता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने सवाल पूछा है, तो आई थिंक इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द आंसर्स, एंड उसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो पीछे जाते हैं हम, निखिल सर ने ये सवाल पूछा था कौन सा ले। तो मुझे लगता है सर ये डिफरेंस आप देखो, प्राइसिंग डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट दोनों का टेस्ट राइड लो, आपको जो ज़्यादा बेहतरीन लगे वो आप ले सकते हो। मैं तो चेतक के साथ जाता, बाकी आपका खुद का जो चॉइस है उसी के ऊपर से आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। मिलेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दो।